हनुमान चालीसा मामले को लेकर महाराष्ट्र में राणा दंपत्ति खासा सुर्खियां बटोर रहे हैं। आपको बता दें, नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा, ये दो नाम हैं जो इन दिनों काफी ज्यादा चर्चे बटोर रहा है। जहां एक तरफ नवनीत राणा उद्धव सरकार को घेरने का एक मौका नहीं छोड़ रही हैं, तो वहीं कई मुद्दे ऐसे हैं जिन पर राणा दंपत्ति खुद भी घिरते हुए नजर आ रहे हैं। ताजा मामला एक ऑडियो क्लिप का है, जहां एक 20 साल का लड़का पहले नवनीत राणा से और फिर नवनीत राणा के पति रवि राणा से हनुमान चालीसा सुनाने की जिद करता है। इस युवा की डिमांड सुनकर नवनीत राणा भड़क जाती हैं, उसके कान के नीचे थप्पड़ लगाने की बात करती हैं। दरअसल हुआ कुछ ऐसा है कि नवनीत राणा जेल से 12 दिनों बाद जो रिहा हुई हैं, उन्हें लोग फोन कर रहे हैं, फोन करके हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए कह रहे हैं। नवनीत राणा के पास फोन आया, एक 20 साल के युवक ने उनसे हनुमान चालीसा सुनाने की जिद करना शुरू किया। नवनीत राणा उस युवक पर चिल्ला बैठी। नवनीत राणा के बाद जब बात आई रवि राणा की, तो इस युवक ने रवि राणा से सवाल किया, आप महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा क्यों नहीं उठाते? ऐसे मुद्दे उठाकर हिंदू मुस्लिम को क्यों लड़वाते हैं? और अगर फिर भी आपको हनुमान चालीसा सुनाना है तो सुनाकर दिखाइए, हम सुनने को तैयार हैं। फोन कॉल पर इस युवक ने नवनीत राणा के पति को चैलेंज देते हुए कहा कि अगर हनुमान भक्त हैं तो हनुमान चालीसा सुनाकर दिखाइए। 8 मिनट 3 सेकंड का ये वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस ऑडियो ने कई तरह के विवादों को जन्म दे दिया है। इस ऑडियो को लेकर नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा दोनों ही काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हुए सुनाई पड़ रहे हैं और इसे शिवसेना की साजिश बता रहे हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।